गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लास्ट कर चुके हैं पीछे, हमारा जहाँ तक हमने रीड कर लिया है, अब उससे आगे हम रीड करेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट जो है, अब यहाँ एक रिएक्शन देख लीजिए एक बार, FeSO4 फेरस सल्फेट जो है हीट की उसमें उष्मा की उसमें अभिक्रिया हुई तो फेरिक ऑक्साइड बन गया Fe2O3, और SO2 जो है अलग हो गया वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फेट बोल सकते हैं आप इसको, सॉरी सल्फेट नहीं होगा ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन मतलब टूट रही है ये पूरी अभिक्रिया। पहले हमने संयोजन पढ़ी थी जिसमें जुड़ती है, अब क्या हो रहा है, टूटेगी, अलग अलग हो जाएगी। तो FeSO4 से हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई हमें अलग अलग, वियोजन हो गया उसका। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 SO3 गैस है। एक ठोस मिल गया, दो गैसें मिल गई, किससे मिली हमें, सारी सॉलिड से। उसके बाद उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तक कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ सॉरी। इससे अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। हमने इसको अलग अलग किया, किसकी हेल्प से, उष्मा की मदद से किया तो उष्मीय वियोजन बोलेंगे इसको, विद्युत की मदद से करेंगे तो विद्युत वियोजन बोलेंगे एक तरह से, और अगर बिजली की मदद से करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं उसको। अब यहाँ पे इसने बात बताई है कि फेरिक ऑक्साइड ठोस था जो हमें उत्पाद मिला है, और दो बाकी मिले हैं वो हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास ये था हमारा अभिकारक जिसने भाग लिया है, इससे जो अभिक्रिया बनी है ये हमारा बना सॉलिड, ये जो दोनों आए हैं ये हमारे गैस निकल गए प्रोडक्ट के अंदर। उष्मा के बारे में बता रहा है कि उष्मा की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुई है। अब आगे कह रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना प्रमुख अभिक्रिया है, उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं जो सीमेंट कारखाने होते हैं वहाँ पर इस अभिक्रिया प्रयोग किया जाता है सीमेंट वगैरह बनाने में। अब CaCO3 जो है ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा, चूना पत्थर का सूत्र होता है ये, जो संगमरमर या मार्बल जो बिछवाते हैं ना उसमें घरों में, उसका फॉर्मूला है ये, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। क्या बना हमारे पास, बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमारा चूना हो गया बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे उसमें वियोजन हो रहा है, उष्मा की मदद से जो इसको तोड़ के दो अलग अलग हिस्से में हम प्राप्त कर रहे हैं। तो वियोजन आप समझ ही गए होंगे बच्चों की, वियोजन विक्रिया में क्या होता है, टूट जाते हैं ये जो हमारे ये अभिकारक जो होते हैं वो टूट कर अलग अलग भागों में बट जाता है। उसके बाद देखिए आप देखेंगे कि ये अभिक्रिया एक दिखा दी है इसने, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे अभिक्रिया पढ़ के इसको। लेड नाइट्रेट 2PbNO3 ट्वाइस सॉलिड में है, जब इसको तोड़ा गया तापन यानी कि गर्म करके तो क्या मिला हमें, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 यानी कि 4NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें हमें मिली हैं, एक सॉलिड दो गैस में। तो वियोजन अभिक्रिया होगी ये, एक से हमें तीन मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, हम समझते हैं अब नेक्स्ट अगला अपना, वो हमने पढ़ा अभी तक, एक तो हमने तापमान में टेम्परेचर से हीट बढ़ा के, उससे पहला उससे उष्मा से, अब देखेंगे सूर्य के प्रकाश से। तो आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का रंग तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से वैसा होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अब जो दो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एक तो ये और ये दोनों की दोनों वियोजन अभिक्रियाएं हैं,
दोनों की दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है टूटी हैं, अलग अलग हुई हैं। AgCl से Ag और Cl2 अलग अलग हुआ है, AgBr से Ag+Br2 अलग हुआ है। Ag सिल्वर है, Br ब्रोमाइड है, Ag प्रोलाइड में सिल्वर है, Cl क्लोरीन हो गया ये। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आ गई आपकी, जो ये अभिक्रिया दिखाई गई है ये किस्म के अंदर होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ये एक फोटोग्राफी होती है एक तरह की, जिसमें कि इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी हो चुकी है, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये क्या कर रहे हैं, हर एक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल नहीं रही, बल्कि अवशोषित हो रही है, सोख रहा है उसको वो, तो उसको बोलेंगे हम ऊष्मा शोषी। पहले मैंने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती थी, ऊष्मा निकलती थी बाहर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा शोषित हो रही है, अंदर ही सोख रहा है वो उसको। तो नेक्स्ट आगे बच्चों हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।